नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नया साल आ रहा है, 2023 का अंत हो रहा है, 2024 की शुरुआत हो रही है। उसी तरीके से आप लोगों ने डिप्लोमा किया होगा, बीटेक किया होगा, तो डेफिनेटली आपने डिप्लोमा कंप्लीट करके एक माइंड में आप लोगों की थॉट प्रोसेस चल रहा होगा। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा, करें तो क्या करें। नो डाउट देखिएगा, आपके पास अलॉट ऑफ ऑप्शन होंगे, बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग, लाखों बच्चे, SSC JEE की मैं बात कर लूँ या इनफैक्ट RRB JEE की भी बात कर लूँ, तो आपको भी पता है कि RRB में 2024 में वैकेंसी आएगी। अब सवाल है कि 2024 में कितनी आएगी, तो उसमें देखो RRB SSE है, ALP है, टेक्नीशियन है एंड आपको जूनियर इंजीनियर है, सबको मिला दिया जाए तो कम से कम मुझे लग रहा है कि लाखों वैकेंसी आने वाली है। SSC JEE में 2024 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, स्टेट लेवल में भी बहुत सारी अच्छी वैकेंसी आएगी, पर अब वैकेंसीज तो आती रहती हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि पढ़ाई करने का एक आइडियल मेथड क्या होता है। मैं हमेशा बात करता रहता हूँ CPR टेक्निक। आज इस ये वीडियो आप लोगों को उसी के लिए डेडिकेटेड है। मैं ऐसे ही विजिट कर रहा था, अपने गाँव आया था नए वर्ष पे, तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा गाँव में आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो रीदे अगर मैं बताऊँ तो सुकून महसूस होता है। तो देखो यार, आज ये वीडियो का एक एक सेकेंड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, जब भी आप सिलेक्शन लोगे ना, तो इसी मेथड से लोगे, आज नहीं तो कल आपको इस मेथड से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, सिलेक्शन के दो तरीके हैं, या तो आप 5 से 6 साल एक ही चीज़ को धीरे धीरे पढ़ो तो भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 5 से 6 साल का समय देना पड़ेगा। और आज आपको नहीं समझ में आता है, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, और शायद आपको भी पता है कि आपके रिटायरमेंट का एज फिक्स होता है 62 साल होता है, 60 साल होता है, लेकिन अगर आप सोचो 5 से 6 साल पहले अगर आप नौकरी मेहनत करके पा लिए, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में 60-70 लाख का स्पेशल आपकी सेविंग हो जाती है, क्योंकि हर साल आप लोग करीब 20-25 लाख रुपए का आपकी अर्निंग होती है। 5 साल आप कमाते तो 1 करोड़ रुपया आपका बच जाएगा। पता है कैसे, ये पैसे आप बचा कैसे सकते हो, अभी से आप इस तरीके से मेहनत करो कि साल भर में आपका तैयारी अच्छे से हो जाए। अब वो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके 1 साल में सरकारी जॉब ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखो, नो डाउट ये मेथड बड़ा आइडियल है, बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जो लोग अडॉप्ट करते हैं, मुझे लग रहा है कि वही सिलेक्शन लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है, दुनिया के सारे बच्चे प्रिपरेशन के दौरान कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे आजकल का दौर ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में क्या होता है, हम नोट्स बनाना भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि टीचर जो नोट्स बना रहा है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके PDF से हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि वीडियो देख करके हमें याद रहेगा। यार, ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, मत करो पढ़ाई। जब भी आप अपनी पढ़ाई करो, अपना खुद का मेंटर से पढ़ो, बट आपको खुद का अपना डिटेल नोट्स बनाओ। साथ में मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि डिटेल नोट्स के साथ साथ 10-12 आप ड्राइंग शीट मार्केट से खरीद जाओ, जितने आपके सब्जेक्ट हैं, और उस ड्राइंग शीट पे आप सारे की पॉइंट्स एक सब्जेक्ट का प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एक सब्जेक्ट के की पॉइंट्स और फार्मूला लिखो। कोई सब्जेक्ट बड़ा होगा, हो सकता है उसकी 2 ड्राइंग शीट हो, बट आपको वो करना पड़ेगा। ड्राइंग शीट लाओ यार, और उसमें आप सारे की पॉइंट्स और फार्मूले के लिखो। मोस्ट ऑफ तो कोशिश करो कि उसमें फार्मूला हो, और उस ड्राइंग शीट को ना फोटो बनाते जाओ, मोबाइल में एक फोल्डर बना दो, जिससे कभी भी आप लोग याद रखना। उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कभी आप लोग मोबाइल चलाते हैं, आज के दौर में कौन मोबाइल हर 10 सेकेंड में आपको मोबाइल चलाना है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोबाइल को कम चलाओ, लेकिन मोबाइल जब भी चलाओ तो उसका वॉलपेपर लगा दो, प्लेन एकदम वॉलपेपर। और जब भी आपको मन करे की पॉइंट्स और फार्मूले को याद करो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ट्रेवल कर रहे हैं आप, उसको याद कर सकते हैं, कहीं आप गए हैं, आपके हाथ में अपने आपके सब्जेक्ट के की पॉइंट्स और फार्मूला है। तो देखो, आपके पास अपने सब्जेक्ट के एक डिटेल नोट्स हो गया, एक आपके अपना खुद का शॉर्ट नोट्स हो गया, तो इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का करना है। मुझे लगा कि ये टेक्निक से अगर जो करेगा, तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन का 33% ही हकदार है अभी, अभी तो 66% के आसपास बाकी है। देखो, दूसरा पिलर है, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। दुनिया के बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों में से ही ये वीडियो जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग देखते होंगे। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को उठाया, जैसे कोई कॉन्सेप्ट, कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन को उठाया उस पर्टिकुलर चैप्टर के, सॉल्व हुआ, एक क्वेश्चन उठाया सॉल्व हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तुरंत पीछे जाकर के आंसर देखते हैं, और उनका आंसर मैच कर जाता तो उनको लगता है ठीक है यार, नहीं तो सिर्फ उसके सोल्यूशन को देखते हैं, और ये सोल्यूशन देखते हैं वो क्या सोचते हैं, यार थोड़ी सी मिस्टेक तो हुआ है, एग्जाम में नहीं करूंगा मैं, सही है, ठीक है, हो जाएगा। बट यार, उसमें आपका मेंटल एबिलिटी डेवलप नहीं हुआ, आपने अपने दिमाग का एक्सरसाइज नहीं किया,
दोस्तों जो लोग सजेशन देते हैं वो इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हो तो नो डाउट अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको एक चैप्टर के 30-35 क्वेश्चंस को पिक करो और पिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा उसका एक टेस्ट मॉड्यूल बनाओ कि 35 क्वेश्चंस को करने के लिए अगर मैं 20 मिनट दे रहा हूं तो जस्ट लाइक एन एग्जाम दूंगा। एग्जाम में क्या होता है आपको टाइम दिया जाता है ना, आप प्रॉपर सारे क्वेश्चंस को करके लास्ट में 2-4-10 दिन बाद आपको रिजल्ट पता चलता है। यहां पे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा आधे घंटे बाद। आप 35 में पता करो कितनी मार्क्स आए, 20 आए, 25 आए, 10 आए, 15 आए, जो भी आए होंगे यार आपका वो अपना मेहनत है। कुछ क्वेश्चंस नहीं बना होगा वही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली गलत कर देते हैं। तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि उन क्वेश्चंस को स्पेशली एक मिस्टेक बुक में एक स्पेशल डायरी बनाओ यार, एक स्पेशल नोटबुक बनाओ उसके लिए। मैं तो बोलता हूं कि उसको मिस्टेक बुक, वो आपकी मिस्टेक बुक में हर एक सब्जेक्ट के इस तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए, याद रखिएगा। जिससे क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट के आपके पास 400-500 ऐसे क्वेश्चंस का भी कलेक्शन हो जाएगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, कंसेप्चुअल होगा, हो सकता है कि वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आए और आपके गलत हो जाएं, तो उस मिस्टेक बुक में अच्छा खासा आपके पास क्वेश्चंस की कलेक्शन हो जाएंगे। गाइज ऐसा आपको हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर के साथ करना है। साथ में एक और मतलब बच्चों के मन में सवाल आएगा कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, क्या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद प्रैक्टिस करें या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। तो मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस है जो बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि आपको एक तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चैप्टर वाइज, साथ में जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कॉन्सेप्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद आप लोगों का एक होता है रिविजन टेक्निक। तो जो रिविजन टेक्निक होता है नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब भी प्रैक्टिस कर रिविजन करते हैं तो बच्चों आप लोग दिमाग में रखना कि कभी भी रिविजन नाउ यार एक रिविजन सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है एग्जामिनेशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में सरेंडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट की अच्छे से तैयारी किए होते हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किए होते हैं, बट क्या होता है कि उन्होंने रिविजन नहीं किया होता। मैं मानता हूँ कि साइंटिफिकली प्रूफ है यार, अगर किसी कंटेंट को एग्जाम के पहले 8-10 बार आप रिवाइज कर देते हैं तो एग्जाम में आपकी उसकी 100% मेमोरी होती है। तो बहुत सारे लोग जो एग्जाम टाइम में सरेंडर करते हैं उनका एक उपाय है रिविजन आप करो। आपके पास मैंने इस टेक्निक में शॉर्ट नोट्स बनवा दिया है, आपके पास मिस्टेक बुक है, तो रिविजन के लिए आपके पास जब क्लिप्स कंटेंट होगा और आपके पास मिस्टेक बुक होगा ना, तो मुझे लग रहा है कि आप डेली दिन में एक बार रिविजन करो, एक घंटे वीक में एक दिन आप रिविजन के लिए दो, मंथ में आपको 3 दिन दो, और फिर उसके बाद 4-5 महीने हो जाए तो आप एक रिविजन का 10 डेज का लैब बनाओ जिसमें आप लोगों को पूरे जो 3-4 महीने में आपने पढ़ाई किया उसको रिवाइज करो। तो रिवीजन हमेशा साइक्लिक होना चाहिए और एग्जाम के 10 दिन पहले आपको कोई नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसी को क्या करना है समराइज करना है। और लास्ट में मैं हमेशा बोलूंगा मॉक टेस्ट जरूर दो, मॉक टेस्ट आप लोगों के एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा हथियार है। और गाइज इन सारी चीज़ों को कराने के लिए गाइड करने के लिए हम लोग आप लोगों के साथ हैं, इंजीनियर्स अड्डा की टीम है। इंजीनियर्स अड्डा आपको भी पता है कि यूट्यूब चैनल भी है, ऑनलाइन वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट वहां पे दिया जाए। नए साल पे दोस्तों आप लोगों के लिए यकीन 3.0 है और साथ में हमने एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान भी बना रखा है जिसमें हर एक एग्जामिनेशन की लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, और इनफैक्ट पुरानी क्लासेस का भी रिकॉर्डेड वीडियो है और अपकमिंग 2 ईयर का भी पैकेज उसमें है। तो जाओ अपने आप को इनरोल्ड करो और हम आपके इस मिशन के साथ हैं। और ज्वाइन करते समय आप लोगों को अगर लोएस्ट प्राइस में चाहिए तो एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, Y201 है, 2 ईयर की वैलिडिटी रहेगी और महापैक में इनरोल करो, आइदर आपके यकीन 3.0 में इनरोल करो। और वीडियो अच्छा लगा अगर ये टेक्निक से अगर आप पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइए।